सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। दोस्तों, इसी वीडियो के माध्यम से मेरी निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है, उसी स्ट्रैटेजी को यूज करके जो भी सारे ट्रेड किया है उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बेसिकली मैंने इसी स्ट्रैटेजी को निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी ऑप्शन का कॉम्बिनेशन पे बनाया है। दोस्तों, आप लोग मुझे हमेशा ये बोल रहे थे कि कोई भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाइए, भले ही वो पेड स्ट्रैटेजी हो लेकिन वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, मैंने खुद लाइव मार्केट में 3 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया खुद ट्रेड करके इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है और देखिए मंथली मिनिमम 10-15% से लेकर 20-25% तक ये रिटर्न दे देता है। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर आप इंट्राडे पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से जो मैक्सिमम रिस्क आ रहा है 3-4% के आसपास आ रहा है और जनरली मैक्सिमम टाइम जो लॉस आ रहा है वो 1% से कम लॉस आ रहा है। अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे, जनरली प्रॉफिट 2% से लेकर 6-7% तक आराम से प्रॉफिट आ जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। और दोस्तों, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने इसी स्ट्रैटेजी को लिए हैं और इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं उन लोगों का बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके जो भी सारे ट्रेड किया है वो सारे ट्रेड के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज हम अगस्त मंथ का डे 16 का रिजल्ट के बारे में जानने जा रहे हैं और बेसिकली इसी स्ट्रैटेजी के लिए 1 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये स्ट्रैटेजी मंथली मिनिमम 15% के आसपास रिटर्न दे देता है। और देखिए दोस्तों, इस पे हमको जनरली डेली 2 ट्रेड लेना पड़ता है और ये एक पेड स्ट्रैटेजी है, तो ये स्ट्रैटेजी के लिए मैंने जितना भी चार्ज कर रहा हूँ, जब आप मेरी व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करोगे, मैंने इसी स्ट्रैटेजी के बारे में और इसका कॉस्ट के बारे में आप लोगों को डिटेल्स पर शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी का रिजल्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मई मंथ पे मैंने इसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। तो देखिए, मई मंथ का 3rd वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे पे मैंने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तो ये जो प्रॉफिट आया था 4732.50 का। अगर आप 4th और 5th वीक के बारे में जानना चाहोगे, देखिए 8811.50 और 4597.75 के आसपास प्रॉफिट आया था। दोस्तों, अगर आप ये सारे रिजल्ट को मिलाओगे तो देखिए नेट 18,141.75 के आसपास ऑलरेडी प्रॉफिट आ गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये प्रॉफिट छोटा लग रहा है, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, 1 लाख कैपिटल के ऊपर ये 18% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और एक ही महीना के अंदर 18% का रिटर्न एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपोजिट या म्यूचुअल फंड के बारे में सोचोगे, दोस्तों हमको फिक्स डिपॉजिट पे जनरली सालाना 8% के आसपास रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड पे हमको 30-35% तक मैक्सिमम रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में देखोगे, ये एक एक महीना में 18% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, ये रिटर्न एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो चलिए अभी जून मंथ का रिजल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, जून मंथ का रिजल्ट के हिसाब से अगर आप इस सारे रिजल्ट को मिलाओगे, ये 17,747 के आसपास रिटर्न दे दिया है। तो दोस्तों, 1 लाख कैपिटल के ऊपर ये भी लगभग 18% का रिटर्न है। तो चलिए अभी जुलाई मंथ का रिजल्ट के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जुलाई मंथ का रिजल्ट के हिसाब से जुलाई मंथ पे मार्केट थोड़ा साइडवाइज था, फिर भी देखिए यहाँ पे 13% से ज़्यादा रिटर्न दिया था। तो चलिए दोस्तों, अभी अगस्त मंथ कंटिन्यू चल रहा है, इसी अगस्त मंथ पे मैंने जो भी सारे ट्रेड किया है उसका रिजल्ट एक बार आप लोगों को शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अगस्त मंथ पे 1st अगस्त पे 2865 के आसपास प्रॉफिट आया था और 2nd अगस्त पे 2178.75 का लॉस था। 3rd और 4th अगस्त सैटरडे एंड संडे था और देखिए यहाँ पे 5th अगस्त पे मेरा 0 प्रॉफिट 0 लॉस आया था, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो लॉस आया था तो ये 1117.50 का, लेकिन यहाँ पे देखिए निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू ये लॉस रिकवर हो गया। तो चलिए अभी 6th अगस्त के बारे में जानते हैं।
देखिए दोस्तों, 6 अगस्त पे 2647.50 का प्रॉफिट था और 7 अगस्त पे 3168.75 का प्रॉफिट था। 8 अगस्त पे देखिए 4312.50 का प्रॉफिट आया था और 9 अगस्त पे 813.75 का प्रॉफिट था। और दोस्तों 10th और 11th सैटरडे एंड संडे था और 12th को बकरीद था जो कि मार्केट बंद था। और देखिए यहाँ पे 13 अगस्त पे 3161.25 के आसपास प्रॉफिट आया था और 14 अगस्त पे 195 का लॉस था। 15 अगस्त मार्केट छुट्टी था और देखिए यहाँ पे 16 अगस्त पे 1972.50 का आसपास लॉस आया था और 17 और 18 सैटरडे एंड संडे था। और देखिए यहाँ पे 19 अगस्त पे 157.50 का आसपास प्रॉफिट आया था और उसके बाद 20 अगस्त पे देखिए 2066.25 का लॉस आया था। और दोस्तों मैंने ये 21 अगस्त से आप लोगों को बताया है कि मैंने जब भी ये प्रॉफिट कैपिटल का 1% से ज़्यादा प्रॉफिट देगा मैंने वो प्रॉफिट को बुक कर लूँगा। इसीलिए दोस्तों मैंने इसी 21 अगस्त को इसी स्ट्रैटेजी पे 1% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब जब ये प्रॉफिट 1000 से ज़्यादा चला गया तो मैंने ये प्रॉफिट को बुक कर लिया है। और उसके बाद अगर आप 22 अगस्त के बारे में जानोगे, देखिए 22 अगस्त पे 1151.25 का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था और 23 अगस्त पे 1166.25 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दोस्तों 24 और 25 सैटरडे एंड संडे था। तो चलिए अभी 26 मतलब आज का रिजल्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों 26 पे देखिए 1271.25 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। दोस्तों ये एक्चुअल प्रॉफिट है या मैंने यहाँ पे कुछ एडिट करके आपको शेयर कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैंने एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1271.25 के आसपास प्रॉफिट है। तो दोस्तों मैंने एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि एक्चुअल प्रॉफिट है या मैंने कुछ यहाँ पे एडिट किया है। देखिए दोस्तों स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम प्रॉफिट दिखा रहा है। दोस्तों मैंने और एक बार ये पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। दोस्तों पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम रिजल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों आज का हेजिंग का स्ट्रैटेजी का रिजल्ट को यूज करके मुझे 1271.25 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैंने इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से कब एंट्री लिया था और कितना जल्दी ये कैपिटल का 1% के आसपास प्रॉफिट दिया उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये ऑर्डर के हिसाब से मैंने 11:35 के आसपास मेरा बाइंग का स्ट्रैटेजी सेटिस्फाई किया था। तो मैंने यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाया था और उसके साथ मैंने बाइंग का हेजिंग भी अप्लाई किया था। और देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 11:35 को जब एंट्री किया और ये 11:43 के आसपास मेरा टारगेट आ गया। मतलब 8 मिनट के अंदर मेरा टारगेट आ गया तो मैंने इसी लेवल के आसपास एग्जिट कर लिया है। तो दोस्तों आज ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये 1% का प्रॉफिट 8 मिनट के अंदर आया है और उसके बाद मैंने मेरा ट्रेड बंद कर दिया। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है, इसलिए मैंने आपको बोल रहा हूँ अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो तो आप ये स्ट्रैटेजी के थ्रू मार्केट पे इंट्राडे ट्रेडिंग पे काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज का निफ्टी का हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके 1521.75 के आसपास प्रॉफिट आया है। दोस्तों मैंने ये जो भी प्रॉफिट या लॉस आज तक जो भी ट्रेड किया है, चलिए मैंने एक ही पेज पे लिख के रखा है, आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये 1 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है मैंने ये सारे प्रॉफिट या लॉस को यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो देखिए दोस्तों जो प्रॉफिट आया उसको ग्रीन पे और जो लॉस आया उसको रेड कलर पे मेंशन करके रखा है। तो अगर आप ये नेट रिजल्ट को मिलाओगे देखिए अभी 15,326.25 के आसपास रिटर्न आया है। दोस्तों ये 1 लाख कैपिटल के ऊपर 15% से भी ज़्यादा रिटर्न है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूसली 4 ट्रेडिंग डेज से जब भी 1% से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने वो प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी इजीली 1% से ज़्यादा प्रॉफिट एक दिन पे दे देता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का निफ्टी फ्यूचर का हेजिंग स्ट्रैटेजी का रिजल्ट। और ये रिजल्ट के माध्यम से आज तक हम जो भी अगस्त मंथ पे ट्रेड किए हैं हमारा नेट एंड प्रॉफिट 15% से ज़्यादा आ चुका है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।